के होम्योपैथिक चिकित्सालय में बैठा हूँ। अयोध्या में तमाम चिकित्सालय चल रहे हैं और उसमें हमारे डॉक्टर डी एस चौधरी साहब हैं यहाँ पे, और इनकी बड़ी चर्चा में सुन रखा है और मैं इनसे मिलने के इच्छुक बहुत था, कई बार मैं आया लेकिन मुलाकात नहीं पाई क्योंकि आप दो जगह बैठते हैं और लगभग आप सर 10:30-11 बीच आते आते हैं यहाँ पे। नहीं 900 तो मैं अभी आया, दो दिन मैं आया लेकिन जो है 11 बजे मैं आया, 10:30 लेकिन बंद था। तो ये था मालूम है कि आप दो जगह बैठते हो तो जगह कवर करते हैं, तो ये आप कैसे दो जगह कवर कर लेते हैं सर, जैसे आप पटना में बैठते हैं? अरे ये इस हफ्ते से पहले की बात आप कर रहे हैं, इस हफ्ते मुझे जिले का भी चार्ज मिल गया है, तो मेरे अंडर चार चार्ज हो गए, दो अस्पताल, एक जिला ऑफिस, अपना सिंह मेला ड्यूटी। तो हमने जो नया आदेश चार्ज लेने की बात बनाया तो हमें कटरा राजकीय चिकित्सालय कटरा का और मेला ड्यूटी अपने अंडर से हटा दिया, जिसमें मेरे पास जिला ऑफिस का चार्ज है और लक्ष्मण राजकीय मेरे चिकित्सालय लक्ष्मण घाट का चार्ज। तो सर आप ये तीन जगह कैसे कवर करते हैं? आगे ये जगह नहीं कवर कर पाता है कि हमारे डॉक्टर अजय गुप्ता जी हैं श्रीराम अस्पताल में, तो वो बेचारे यहाँ कवर कर पाते चुके हैं, उनको भी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और 12 बजे आते हैं यहाँ पे और 1 घंटे बैठते हैं फिर चले जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे तीन जगह मैनेज करते हैं? हमारे दो हॉस्पिटल जो हमारी ड्यूटी लगी हुई थी जी, तो सोमवार बुधवार शुक्रवार लक्ष्मण घाट जी, मंगल बृहस्पति शनिवार जी, वहाँ की ड्यूटी लगी जी। तो मैं यहाँ पहले आता हूँ 9:15 बजे, पहले लक्ष्मण घाट आने के बाद में 1/2 घंटा बैठने के बाद ही मैं लाइन कटरा जाता हूँ जी, तो वहाँ मुझे पहुँचने का 10:15-10:30 बजे। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, आखिर सवाल पूछूंगा क्योंकि आप जल्दी में हैं। ठीक मुझे लगभग 3-4 महीने से मुझे एक कई मामलों के कंप्लेन किया शिकायत कि आप जो दवा देते हो यहाँ पे ये दवा सरकारी आती है? ये सरकारी गवर्नमेंट सप्लाई प्लस आयुष सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों सप्लाई है, दोनों सप्लाई है। तो जैसे अभी आप पैसे ने बताया तो पैसे जो आप लेते हो तो वो दवा आप कहाँ बाहर देते हो? अभी हमने बताया नहीं आपको 1200 बताया कि आप 1200 दीजिए और ये हो जाएगा। नहीं, अगर मरीज जो बहुत सीरियस स्थिति में रहते हैं जी, जो दवा मैनेज करने में दिक्कत होती है तब उनकी ये स्थिति की जाए, बाकी जो सामान्य मरीज आते हैं जी अस्पताल से ही काम चल रहा है। नहीं, जैसे बहुत से लोग हर आदमी तो संपन्न कई जगह रेफर होके आते हैं, जिला अस्पताल से आते हैं, लखनऊ लौट के आते हैं। सर मैं तो अभी ठीक ठाक हो जाता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, और आपने मुझे 1200 बिल बनाया सर, तो ये 1200 रुपये का जो है बिल हम मान लीजिए देने के चुके में बहुत गरीब लोग आते हैं और वो सरकारी अस्पताल देखते हैं, सरकारी अस्पताल में सुविधा होती है चूँकि गवर्नमेंट की स्कीम है, और इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, अगर मरीज की स्थिति ज़्यादा नाजुक रहती है या गड़बड़ है, ज्यादा सीरियस ज्यादा इसका लोग क्या है जी, तब उसको सलाह दी जाती है। नहीं, अभी हमारे सामान्य मरीज में नहीं दी जाती। अभी आपको गुप्ता जी एक हैं और दो तीन लोग और थे, उन्होंने बताया, मैं तभी आया, मैं आता भी नहीं यहाँ पे। उन्होंने बताया कि भैया वहाँ जाओ, अगर दवा लेने जाओ तो आप डॉक्टर से बताओगे तो तुरंत जो है 500-700 रुपये का बिल बना देते हैं, कितना दे दो हमको, मैं कल आपको दवा दे दूंगा। तो क्या ये दवा जो है आप के स्टार अलग से कुछ करते हैं? नहीं, वो बाहर की दवाएं हैं, जब कभी किसी जरूरत पड़ती है, ऐसा जरूरत रहती है तो व्यवस्था कर दी जाती है, बाकी यहाँ से ऐसा कुछ नहीं। जो पर्ची बनेगी 1 रुपये पर्ची बनती है, जो लोग आरोप लगाए कि मतलब इस तरह से डॉक्टर साहब ने हमसे, नहीं सर ये सब गलत है। तो जैसे अभी हमने बताया कि हम डॉक्टर साहब चूँकि जल्दी में है, मैं ज़्यादा से बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो लोगों ने कंप्लेन किया कि आपके पास जाते हैं और दवा लेते हैं, उसके बाद 500-600-700-1000 रुपये का बिल बना देते हैं कि आप हमको जमा कर दो, कल मैं आपको दवा दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब ने उसको नकार दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और चूंकि 4-6 लोगों ने बताया था हमको और मैं 6 महीने से मेरे संज्ञान में था कि मैं आ नहीं पा रहा था, व्यस्त नाते आज मैं आया हूँ, और चूंकि डॉक्टर साहब ने हमारे भी पर्चे में बताया था कि ये सर पर्चा आइए, और अभी इन्होंने 1200 रुपये का यहाँ पे एक वो किया था कि आप इसको जमा कर दीजिए, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनके प्रसारित दवाएँ उपलब्ध कराना है, जो बाहर दवा डॉक्टर साहब लिखते हैं उसको वहाँ ना लिख करके यहीं से मिलाए, और आदमी एक विश्वास लेके आता है कि सरकारी हॉस्पिटल है, कम पैसे में मैं ठीक हो जाऊंगा, 1 रुपये पर्चा बनाऊंगा और मैं 2-3 महीने ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अगर इस तरह से हरकत हो रही है तो ये गलत है, बहुत ही अन्याय हो रहा है। मैं नीरज श्रीवास्तव धर्मेंद्र सिंह के साथ।